होगी तो आई की आई के साथ होगी, सिर्फ आई की आई के साथ होके वन हो जाएगा। जब भी आप डाइवर्जेंस ज्ञात करें तो क्या करना है आपने, कर्ली बाई कर्ली एक्स, सिर्फ एक्स वाला आई वाला ही लेना है आपने यहाँ पे, वाई ए थ्री माइनस जेड ए टू। और यहाँ पे माइनस जब डेल ऑपरेटर अप्लाई करो ना, इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर देना, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस, है ना, ये माइनस नहीं रखना आपने यहाँ पे। प्लस जब वाई के रिस्पेक्ट में करो ना, आप वीडियो नंबर एक जरूर देख लीजिएगा, उसमें बेसिक का बताया गया है मैं कैसे कर रहा हूँ ये। इसमें आपने जेड ए वन माइनस ए थ्री एक्स, है ना, ये आगे पीछे, ये आगे लिख लिया, ये पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे प्लस के टाइम्स इंटू एक्स ए टू, और यहाँ पे डेल ऑपरेटर पर अप्लाई करें ना जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में माइनस वाई ए वन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसका पार्शियली डेरिवेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, करें पार्शियली डेरिवेशन इनका। तो देखो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे आप पार्शियली डेरिवेशन, देखिए x के रिस्पेक्ट में करिए, यहाँ पे x नहीं है तो ये हो जाएगा जीरो प्लस, इसका y के रिस्पेक्ट में करिए, नहीं है जीरो प्लस, इसका z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेशन करिए, नहीं है जीरो, इट मीन्स आपका फुल एंड फाइनल आंसर यहाँ से जीरो आ जाएगा, यानी कि आपका डाइवर्जेंस ऑफ r क्रॉस a विल बी जीरो, ऑप्शन ए यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं, 276वां सम क्या कहता है आपका, बहुत अच्छा सम है, ठीक है, चलिए मैं इसको रिमूव करता हूं, आप स्टेटमेंट देख लीजिए। देखिए ये सम क्या कहता है आपका, ये सम कहता है इफ वेक्टर ए एंड बी आर ई रोटेशनल, भाई ई रोटेशनल तो कर्ल के केस में होते थे ना, यानी कि लिख सकते हैं यहां से कर्ल, कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ई रोटेशनल के केस में, एंड कर्ल बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन गिवन है, आर ई रोटेशनल देन ए क्रॉस बी इज ई रोटेशनल, ए क्रॉस बी इज सोलिनोइडल। और हमने एक केस पढ़ा था कि भाई अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी कर दे और वो जीरो आ जाए तो वो सोलिनोइडल हो जाएगा, ऑप्शन बी में देखो इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर मैं डाइवर्जेंस किसका कर दूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो वो क्या होता है, वो होता है बी वेक्टर एज इट इज, देखिए यहाँ डाइवर्जेंस नहीं है, कर्ल आ जाएगा, कर्ल कर्ल ए वेक्टर, बीच में माइनस ए वेक्टर एज इट इज कर्ल बी वेक्टर, ये अब आपको पता है क्योंकि इरोटेशनल है, वेक्टर ए एंड बी इरोटेशनल है, इरोटेशनल होने के कारण ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहां से बी वेक्टर इंटू जीरो वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू जीरो वेक्टर, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू जीरो आ गया तो वो उस कंडीशन में ई सोलिनोइडल हो जाता है। और इरोटेशनल कब होता, इरोटेशनल होता अगर मैं कर्ल के साथ इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, कर्ल के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, अगर वो जीरो आ जाता तो वो इरोटेशनल होता। सोलिनोइडल कब होता है, जब डाइवर्जेंस की वेक्टर के साथ, डाइवर्जेंस की फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करें अगर वो जीरो हो जाए तो वो सोलिनोइडल है, अगर कर्ल की फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें अगर वो जीरो हो जाए तो वो क्या होता है, इरोटेशनल होता है। मगर ये कंडीशन हमने चेक नहीं की, हमने डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन चेक कर लिया, उसमें क्या हुआ, डाइवर्जेंस की फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई, यानी कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अब हम ए सी डी को चेक नहीं करेंगे, टोटली टाइम वेस्टिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं, देखिए
276 हो गया। अब 277 देखिए, ये भी बिल्कुल अच्छा सम है, पीजीटी 2005 और एलटी 2018 में पूछा गया है, अच्छा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैसा यूज होगा इसमें। देखो देखो क्या कहता है इसमें, ये इस सम में कहता है इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वैक्टर, ये भी कॉन्स्टेंट वैक्टर है, देन आपने फाइंड आउट करना है, अगर सिंपल ये सिंबल दे देना तो याद रखना ग्रेड होता है, ये ग्रेड, ग्रेड ब्रैकेट आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, ये क्या होगा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यानी कि ग्रेड ऑफ आर ए बी, पहले तो ये अंदर वाला निकाल लेते हैं, ग्रेड बाद में अप्लाई कर देंगे, ये अंदर वाला निकाल लेते हैं, यानी कि हम आर ए बी निकालते हैं, वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहां पे गिवन है, क्या गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कांस्टेंट, अगर ए और बी वेक्टर कांस्टेंट है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेक्टर आया होगा, और हमने वो वेक्टर ए मान लिया, और वेक्टर ही आएगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टरों की वेक्टर ही होता है, अगर वो ए वेक्टर आया है तो उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट भी रहे होंगे, तो इस ए वेक्टर के कंपोनेंट मान लेते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये इस ए वेक्टर के कंपोनेंट मान लिए हमने, ठीक है, अब उसके साथ आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है, कर दो भाई, आर वेक्टर को मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, ए ए, ये ए एक्स नहीं मानना इसमें, ठीक है, ए एक्स नहीं मानो, क्योंकि एक्स हम यहां मान लेंगे, इसको ए वन नाम दे दो, वन टू थ्री, है ना, तो यहाँ पे वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये नाम दे दिया, ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई की आई के साथ होगी, आई की जे के साथ तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होती है, ये स्केलर होगी दो वेक्टरों की, ठीक है, अब आपके पास ये आ गया कि भाई आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की वैल्यू ये आ गई आपके पास, इसके ऊपर ग्रेड अप्लाई कर देना है, अब हमने क्या अप्लाई कर देना है, ग्रेड अप्लाई कर देना है, ग्रेड अप्लाई करने का मतलब है पूरे फंक्शन का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डेरिवेशन, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, बट आई जे के लिखना है, अब इसका पार्शली डेरिवेशन एक्स के, एक्स का तो वन हो जाएगा, तो ए वन आई लिखना है यहां पे, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा तब समझ में आ जाएगा ये, फिर ए टू जे, फिर ए थ्री के, अब ये क्या मानना था हमने, ये तो हमने ए वेक्टर मानना था, दिस वन वेक्टर ए, बट ए वेक्टर क्या था, ये इनकी प्रोडक्ट थी ना, जो दो कांस्टेंट वेक्टर थे, यानी कि यहां से फुल एंड फाइनल आंसर आपका
और ये क्या है, टू वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ, अब आप यहां पे देखो u वेक्टर, v वेक्टर और cos pi by 2, cos 90 क्या होता है, जीरो, ये जीरो, यानी कि u वेक्टर v वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, यानी कि बीच में दोनों के एंगल अगर पाई बाई टू हो जाए, लंबकोणीय हो जाए, ऑप्शन बी, तो वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल। आई थिंक सो ये डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी है कि भाई यू वी की अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो 280 के बाद चलते हैं 281 पे, ये रैंडमली सम है इसलिए लिखे हुए हैं यहाँ पे कि इसके बाद कौन सा करवाना है, अदरवाइज सम मिक्स हो जाएंगे। ये सिर्फ हम कर रहे हैं, एक आधा वेक्टर का भी सम आ जाता है, ग्रेट डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड सम कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस, कर्ल और फंक्शन, डाइवर्जेंस, कर्ल और फंक्शन। अब आप याद रखना ये फंक्शन है एफ, वेक्टर है, वेक्टर नहीं है, सिंपल है, नहीं देखो मिस्टेक, यहाँ पे एफ सिर्फ क्या दिया है, फंक्शन दिया है, बट यहाँ पे वेक्टर है, ये वेक्टर होगा ये, है ना, कर्ल के साथ। अब देखो याद रखना डी सी, डी सी यानी कि हरियाणा का डी सी क्या फेंकता है, जीरो, हरियाणा का डी सी और फंक्शन होता है, तो याद कर लो डीसी क्या फेंकता है, जीरो, डाइवर्जेंस, कर्ल और फंक्शन, डीसी क्या फेंकता है, जीरो, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट है, आप किसी भी सम पे अप्लाई कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद चलिए 282वां सम, बिल्कुल 282वां, देखिए आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर, यहाँ पे डायरेक्ट डाइवर्जेंस पूछ लिया आपसे, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंस क्या होता है, पार्शियली डेरिवेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड आई जे के का, बिल्कुल सिंपल सा है। और ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है, और ये फाइंड आउट करना है, और फंक्शन आपको गिवन है, वेक्टर होगा ये भी, एक्स स्क्वेयर जेड आई प्लस एक्स वाई जे एंड माइनस वाई जेड स्क्वेयर के, ये आपको फंक्शन गिवन है ना। और पॉइंट क्या है, वन माइनस वन, वन माइनस वन एंड वन पे चेक करना है आपने। तो पहले तो आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लीजिए, वो क्या होगा, है ना, वो क्या होगा, पहले इसका देखिए, डाइवर्जेंस में और ग्रेड में फर्क इतना होता है, ग्रेड में तो सारे का करते हैं, बट डाइवर्जेंस में आई के कोफिशेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन, जे के कोफिशेंट का वाई के रिस्पेक्ट में, और के कोफिशेंट का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेशन करना है। कर दीजिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, टू एक्स जेड, है ना। और डाइवर्जेंस में देखिए, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये स्केलर आएगा, प्लस इसका वाई के रिस्पेक्ट में एक्स जे हो जाएगा, क्योंकि वाई का वन हो जाएगा पार्शियल डेरिवेशन। इसका क्या हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में टू वाई जेड हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, जेड का मान ये है, रख दीजिए, देखिए टू एक्स की जगह वन, जेड की जगह वन, ठीक है, प्लस एक्स की जगह क्या लिखना है आपने, इसमें आई जे के नहीं आएगा ना, डाइवर्जेंस अप्लाई कर दिया है। अब देखो ये किसके रिस्पेक्ट में क्या था भाई, हाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, वन और ये माइनस टू, और आपके यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, और जेड की वैल्यू कितनी है, वन है ना। तो रख दीजिए टू माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस वन और माइनस माइनस प्लस टू, दो दो चार और एक पांच, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजीएस्ट सम था, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर इस पॉइंट पे चेक करना था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, 282 के बाद 283 है आपका। ये हिंदी में है थोड़ा
हिंदी वाले बच्चों को तो अच्छा ही लगेगा भाई। भाई देखिए ये क्या कहता है, पृष्ठ ये बिंदु इतने पर इकाई सदिश है, समलंब है। ये कहता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। भाई यूनिट नॉर्मल वेक्टर से एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए, ग्रेड चेक करना है इस पॉइंट के ऊपर। कर दीजिए ग्रेड चेक। ग्रेड मतलब आपके पास फाई है, एक स्केलर है, वो क्या है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वेयर माइनस फोर, ये है। और आपने ग्रेड फाई निकालना है, तो पूरे फंक्शन का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेशन कीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, बीच में प्लस। अब पूरे फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में करिए, थ्री एक्स वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब पूरे फंक्शन का जेड के रिस्पेक्ट में करिए पार्शियल डेरिवेशन। और जब आप ग्रेड निकालें तो याद रखना आई जे एंड के अप्लाई करना है, ये हो जाएगा टू एक्स वाई क्यूब जेड के, है ना, ये हो जाएगा। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका माइनस वन टू, इन पे चेक करना है। रख दीजिए आप इन पॉइंटों पे यहाँ पे, है ना, सीधा ही है ये तो सब। तो माइनस वन की पावर थ्री, जेड का टू का स्क्वेयर आई, प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वेयर टू का स्क्वेयर यहाँ पे जे, प्लस टू माइनस वन की पावर थ्री और टू, ये हो जाएगा। चलिए करिए इसको, माइनस वन का तो माइनस बाहर आ जाएगा फोर आई, ये यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस तीन दो दून चार तीन बारह जे, और ये हो जाएगा आपका, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये के प्लस दो दूनी चार के, ये हो जाएगा आपका, है ना। हमने तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना था, तो डेल फाई ओवर डेल फाई, ये वेक्टर आया है, डेल फाई की मोड वैल्यू निकालनी है। तो ये तो आपके पास डेल फाई तो आई गया, इसका मोड वैल्यू और निकाल दो। वैसे निकालना चाहो तो चार बार पहले ही निकाल लो। अगर मैं चार यहां से बाहर निकाल लेता हूं, यहां पे थ्री रह जाएगा और यहां पे वन हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और क्या था, ठीक है। इसके स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट निकाल लेंगे तो तीन के नौ दस और ग्यारह हो जाएगा अंदर, है ना। तो अगर मैं माइनस बाहर ले लूं, देखना मैं माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, तो ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये ग्यारह है, हमारा चार बाहर आ गया है ना, चार तो तीन तिया नौ, ऐसे निकाल सकते हैं हम, अगर कॉमन आए। नहीं भाई, इस पे फर्क पड़ जाएगा फिर, है ना, तो वो नीचे से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, याद रखना आई जे के, क्योंकि इन के कोफिशेंट का स्क्वेयर करना था, तो चार नीचे से भी निकलेगा 100%। तो इस चार से ये चार कैंसिल हो जाएगा नीचे से, वो मैं आप कंफ्यूजन में मत होना, वो नीचे से भी निकलता है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। मैं इस चार को यहीं रखता हूँ, यहाँ पे 12 और ये चार, ठीक है। अब 12 का स्क्वेयर 144, चार का स्क्वेयर 16 और 16 32 ही हो गए भाई। तो चार दो छः, चार तीन सात, 176, 176 ने 11 तक डिवाइड करना, तो 11 कम 11 और 11 छः के 66, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं, इसका अगर स्क्वेयर का स्क्वेयर के सम का स्क्वेयर रूट करूँ तो इसको 11 गुना 16 लिख सकता हूँ। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, चार, और यहाँ से अगर मैं चार कॉमन ले लूँ तो ये तीन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, और चार से चार, यानी कि अगर आप ऊपर से चार कॉमन लो ना तो वो नीचे से भी आएगा, क्योंकि ऊपर के स्क्वेयर के सम का स्क्वेयर रूट नीचे होता है। तो ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो गया, एक नई बात भी यहां से कंफर्म हो जाती है। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 83 के बाद 84 पे चलते हैं।
ये सम भी बिल्कुल अच्छा है, पीजीटी 2013 का सम है ये। देखिए इसमें क्या कहता है ये, इस समय कहता है यदि एफ अघूर्णी इरोटेशनल है तो ए का मान बताओ। इरोटेशनल कब होता था, वो कर्ल के केस में होता था, कर्ल एफ अगर जीरो हो जाए तो वो इरोटेशनल है, यानी कि डेल की क्रॉस प्रोडक्ट अगर एफ के साथ करूं, यानी कि आई जे के लिखूं और यहां पे कर्ली बाई कर्ली एक्स कर्ली बाई कर्ली जेड करूं और यहां पे एफ के लिखूं, आई जे के कोफिशेंट इसके है आपके एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स और वाई के हैं यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई और इसका है जीरो, है ना। और उसकी अगर मोड वैल्यू निकाल लूं और वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अघूर्णी अघूर्णी सदिश मतलब इरोटेशनल वेक्टर हो जाएगा। चलिए कर लीजिए इसका, ये थोड़ा टेढ़े हो गए, सीधे कर लीजिएगा इनको, आई यूनिट वेक्टर है ये सभी, ठीक है। तो ये कैंसिल इस किसके साथ करो जीरो, इसकी जेड के रिस्पेक्ट में करो जीरो माइनस जे। अब ये कैंसिल इस किसके साथ करो जीरो, बट इसकी जेड के रिस्पेक्ट में करो, इसकी जेड के रिस्पेक्ट में करोगे वो भी जीरो प्लस के इंटू। अब देखो ये कैंसिल इसकी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस का टू वाई, बीच माइनस अपने पास से लगाना, इसकी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू ए वाई, है ना, और ये इक्वल टू किसके है जीरो के है। अब देखिए विच इंप्लाइज यहां से आपका क्या हो जाएगा, माइनस के टू वाई मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बच जाएगा वन प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा। अब ये अंदर वाला अगर वन प्लस ए को मैं जीरो रखूं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, वही आपका आंसर है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी नहीं लगी इसमें तो कॉन्सेप्ट लगा है। 284 अब इसके बाद 285वां सम देखिए क्या कहता है ये इसमें। बिल्कुल इजी इजी सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कहता है, वेक्टर इतने की दिशा में ये फंक्शन दे दिया का बिंदु दिक अवकलन होगा। अब देखिए आपने क्या करना है, जहां पे दिक अवकलन लिख रखा हो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर इस वेक्टर का निकालना है, तो आपने क्या निकालना उसका, पहले तो ये देखिए स्केलर है फाई आपको गिवन है, यहां से डेल फाई निकालना है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, है ना, ये आपको क्या दे दिया फाई दे दिया। अब डेल फाई निकाल लीजिए, पहले डेल फाई निकाल लेते हैं, ये वेक्टर होगा डेल फाई, क्या होगा पहले पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर पार्शियल डेरिवेशन ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस फिर पूरे का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2xy प्लस z क्यूब, है ना, और यहाँ पे i इस पूरे पे j और प्लस, और z के रिस्पेक्ट में करोगे पूरे का तो 3yz स्क्वायर k आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहले पूरे का x के रिस्पेक्ट में i के साथ, पूरे का y के रिस्पेक्ट में z के साथ, और पूरे का जेड के रिस्पेक्ट में के के साथ। अब देखो क्या करना है, आपने चेक करना है 2 माइनस 1 1 पे ये एक्स ये वाई ये जेड रख दीजिए यहां पे, यानी कि वाई की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर आई प्लस टू, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस वन और प्लस जेड की वैल्यू है 1 आई जे और प्लस 3 वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 1 और जेड की वैल्यू है 1 का स्क्वायर इंटू के। अब देखो यहां से माइनस का स्क्वायर तो प्लस आई रह जाएगा, यहाँ पे माइनस के 4 और प्लस का 1 माइनस के 3 जे और यहाँ पे माइनस का
तीन के, ये आ गया आपका, है ना। अब इन द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। उसको वेक्टर एफ मान लो, ये गिवन है आई प्लस टू जे प्लस टू के। अगर इस फंक्शन का इसकी डायरेक्शन में हो तो आपने ये फंक्शन तो यूं का यूं लिख लेना है, जिसकी डायरेक्शन में हो ना उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है आपने, ठीक है। ये लिख लेना है आई माइनस थ्री जे माइनस थ्री के, इसका किसके साथ करना है आई प्लस टू जे प्लस टू के, और अपॉन क्या करना है इसका स्क्वेयर का स्क्वेयर, दो दुनी चार, दो दुनी चार, चार और चार आठ, नौ का वर्गमूल तीन, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि वन की वन से करेंगे वन, माइनस थ्री की टू से करेंगे माइनस सिक्स, माइनस थ्री की टू से करेंगे माइनस सिक्स बाय थ्री, ठीक है। तो छः और छः बारह में से एक गया, माइनस ग्यारह बटे तीन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस सीरीज का लास्ट सम देखिए 286 क्या कहता है, बिल्कुल अच्छा सम है। ये मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, देखिए क्या कहता है ये सम। ये कहता है इफ द वेक्टर दिस इज इरोटेशनल, सो सिंपल भाई, इरोटेशनल है तो कर्ल ऑफ फंक्शन जो आपको गिवन है वो क्या होगा, जीरो। यानी कि डेल की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट फंक्शन के साथ करूं, अगर वो जीरो आ जाए, देन फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए। बिल्कुल इजी सा सम है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 2010 में पूछा गया था, कुछ भी नहीं करना, डेल की क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, मैं थोड़ा कर ही देता हूं। अगर डेल क्रॉस एफ निकालोगे तो यहाँ पे आई जे के, और यहाँ पे कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली बाई कर्ली वाई, कर्ली बाई कर्ली जेड, और यहाँ पे आपका एफ फंक्शन क्या है, एक्स प्लस टू वाई प्लस ए। अभी अभी किया था इस टाइप का सवाल, जे तो है ही नहीं जीरो, और के आपका क्या है एक्स है। इसको आपने जो भी आपकी डिटरमिनेंट करके, पार्शियल डेरिवेशन करके जो वैल्यू आए ना उसको इक्वल टू जीरो के रख देना, वहां से ए की वैल्यू आपकी बहुत इजी सम है एलिमिनेट हो जाएंगी। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक करिए चैनल को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स।